तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी में और प्लांट की बॉडी में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा किस तरह से प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, तो अब हम देखेंगे एनिमल में किस तरह से कंट्रोल भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है। ठीक है, तो कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन में स्पेसिफिक केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो केमिकल्स कौन सीक्रेट करता है एनिमल की बॉडी में, दैट इज एन ग्लैंड्स। करेक्ट, तो ये ग्लैंड्स थ्री टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, मे बी एंडोक्राइन, दूसरा करेक्ट एक्सोक्राइन, और तीसरा मिक्स्ड का और एक नाम मैंने बताया था हिटेरोक्राइन। कौन सा? हिटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहां थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है कि जो कि स्पेसिफिक केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, एंडो एक्सो एज वेल एज मिक्स्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं हमारे बॉडी में? करेक्ट, दैट इज एन हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट एंजाइम्स, और मिक्स्ड हार्मोन प्लस एंजाइम, इन दोनों को मिला के हार्मोन प्लस एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहां ये हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में सिक्रेट किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, वो हार्मोन डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ली जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, खाली कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम यहाँ, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। हमारे टॉपिक के लास्ट में एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट पर ये क्वेश्चन हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं हमारे बॉडी में? हमारी ग्रोथ मीन्स हमारी हाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रेट नहीं होता तो हमारी हाइट छोटी होती। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन किस तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है? वो ज्यादा अमाउंट में भी सिक्रेट नहीं होता, कम भी सिक्रेट नहीं होता, वो इंटरमीडिएट लेवल पर ऑप्टिमम लेवल में सिक्रेट होता है। तो अगर ज्यादा या कम सिक्रेट होता है तो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है। तो ये हमारे बॉडी को ग्रोथ में कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल ग्रोथ के लिए कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन करता है। कुछ ऐसी तरह के हार्मोन है जो कि न्यूरॉन्स के इंपल्सेस पास करने में हेल्प करते हैं, दैट इज एन एसिटिल कोलिन एज वेल एज एड्रेनालिन। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में? सिग्नल पास करते हैं एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट, थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में क्या करता है? वो मेटाबॉलिज्म की हिसाब से रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, थाइमस जो ग्लैंड है वो थाइमोसिन केमिकल सिक्रेट करता है, वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है हमारे बॉडी में? इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रिनलिन कि इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रेट होता है। कब? ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। सपोज हमें फियर हो गया, हमारे हार्ट बीट बढ़ गए या कम हो गए, तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है और हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल लेवल तक लाता है। तो इस तरह से वो हार्मोन हमारे बॉडी को कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके तहत? नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे तरह के भी हार्मोन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिन इन स्टमक, गैस्ट्रिन इन स्टमक, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस में इंसुलिन ग्लूकागॉन, इस तरह के कुछ हार्मोन्स है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल्स है जो कि हमारे बॉडी में डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और नर्वस सिस्टम के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ADH दैट इज एन एंटी डायुरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। ये हमारे बॉडी में किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। किसके?
किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट टेस्टिस एंड ओवरीज में से टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेल एंड फीमेल की बॉडी में से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल्स हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं और दूसरे सिस्टम के साथ के वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्यों उसकी नीड है हमें, क्योंकि अगर इसकी लेवल कम या ज़्यादा हो गई तो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। सपोज ग्रोथ हार्मोन, एक एग्जांपल हाँ, ग्रोथ हार्मोन अगर कम मात्रा में सिक्रेट हुआ तो हमारी हाइट कम होगी, अगर ज़्यादा सिक्रेट हो तो हमारी हाइट ऑप्टिमम हाइट से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर सेकेंड हार्मोन बेस्ट दैट इज़ द इंसुलिन, तो आपको पता ही है इंसुलिन कब दिया जाता है, डायबिटीज पेशेंट को। क्यों दिया जाता है, क्यों डायबिटीज क्रिएट होता है, डायबिटीज का मतलब क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। तो इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी में, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करता है। ये मींस मैंने डायग्राम में बताया था, ये है ग्लूकोज के सिंपल मॉलिक्यूल्स और ये है इसकी एक चेन। ठीक है, तो अगर ये सीक्रेट नहीं हुआ तो ग्लूकोज का इस ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंसुलिन नहीं सीक्रेट होता है तो डायबिटीज क्रिएट होगा, अगर कम सीक्रेट होता, अगर ज़्यादा सीक्रेट होता है तो हमारे ब्लड में ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज ही नहीं बचेगा, मीन्स हाइपोलेस सीक्रेशन होगा उसका ग्लूकोज का, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमें चक्कर आने लगेगा। तो इस तरह से ये सभी हार्मोन्स के स्पेसिफिक फंक्शन से इसकी मात्रा अगर कम या ज़्यादा हो गई तो हमारे बॉडी में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से ये हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ठीक है, स्टॉप।